हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मॉम्स वर्ल्ड में। आज हम इस चैनल पे बात करेंगे फूड मिथ्स एंड प्रेगनेंसी, यानी जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको बहुत तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है कि ये खाओ ये मत खाओ। तो हम आज उसी के बारे में बातें करेंगे, कुछ मिथ्स हैं उनको मिलकर के बस्ट करेंगे। सबसे पहले आपको सुनने को मिलता है कि दूध दही मत खाओ, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी, कोल्ड कफ हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा मिथ है। आपको दूध दही खाने से कोल्ड नहीं होता, कोल्ड होता है किसी वायरस की वजह से। बल्कि दूध दही तो जरूर खाना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन में होने वाले इन्फेक्शन के चांसेस को काफी कम कर देते हैं और आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो आपको दूध दही का सेवन जरूर करना चाहिए। इसी से रिलेटेड आपको दूसरी बात सुनने को मिलती है कि संतरा मौसमी ये सब मत खाओ, खट्टे फल मत खाओ, नहीं तो आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, जो कि ये भी गलत बात है। इससे भी आपको सर्दी जुकाम नहीं होता है, बल्कि इसमें विटामिन सी काफी अच्छी मात्रा में होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, जो कि आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको भी जरूर खाइए। एक्चुअली विटामिन सी को अगर आप आयरन कंटेनिंग फूड के साथ खाते हैं तो बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब ज्यादा होता है और हीमोग्लोबिन भी अच्छी मात्रा में बना रहता है। तो आप संतरा मौसमी या विटामिन सी वाले फ्रूट्स भी जरूर खाइए। आपको एक कॉमन चीज सुनने को मिलती है कि अगर आप काली चीजें खाते हैं तो बच्चा आपका ब्लैक होगा और अगर आप सफेद चीजें खाते हैं तो बच्चा फेयर होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके खाने पीने से बच्चे का रंग डिसाइड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुनने को मिलता है कि अगर आप दूध पी रहे हैं तो बच्चा काफी गोरा होगा और अगर आप चाय कॉफी पीते हैं तो बच्चा काला होगा। ये सब बिल्कुल मिथ है, ऐसा नहीं होता है। खाना पीना जो भी है आपका, वो बच्चे का रंग डिसाइड नहीं करता। बच्चे का रंग डिसाइड करता है उसके जीन्स, यानी उसके मम्मी पापा कैसे हैं, फैमिली मेंबर्स कैसे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है, ना कि फूड पे। एक और इसी से रिलेटेड बात है कि अगर आप चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं, जो कि उसमें कैफीन होता है, जो कि बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है, तो अगर आपको चाय कॉफी पीनी है तो आप दिन में 2 कप आराम से पी सकते हैं, इससे ज्यादा मत पीजिए, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और कोशिश करिए कि जब आप चाय या कॉफी लेते हैं तो आप अपने खाने के साथ मत लीजिए, नहीं तो जो हमारे फूड में आयरन होता है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और हमें हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। तो शायद इसीलिए आपने सुना होगा कि लोग चाय कॉफी के लिए मना करते हैं, जो कि सही है, थोड़ा लीजिए लेकिन बहुत ज्यादा मत लीजिए। इसी से आपने एक और रिलेटेड बात सुनी होगी कि चॉकलेट मत खाओ। लोग बोलते हैं आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल से स्टॉप कर दीजिए, जो कि बिल्कुल मिथ है, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, चॉकलेट में भी कैफीन होता है, आप बहुत ज्यादा खाएंगे तो वो बच्चे को नुकसान कर सकता है, लेकिन आप थोड़ा चॉकलेट खा सकते हैं। इट्स ऑल्सो अ जंक फूड, बहुत ज्यादा खाएंगे तो वेट गेन होगा, कॉम्प्लिकेशन होंगी प्रेगनेंसी में, इसलिए मना किया जाता है। बट आप दिन में 1-2 छोटे से पीस चॉकलेट के खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी से रिलेटेड आपको एक और चीज सुनने को मिलती है, केसर। अगर आप केसर ज्यादा खाएंगे तो बच्चा गोरा होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। केसर खाने से बच्चा गोरा नहीं होता, लेकिन हाँ, केसर आप जरूर खाइए, उसको दूध में मिला लीजिए, थोड़ा सा वार्म मिल्क रहे और उसको पीजिए, क्योंकि केसर के बहुत सारे फायदे हैं, काफी न्यूट्रिशियस होता है टू यू एंड योर बेबी एज वेल। तो केसर का सेवन जरूर कीजिए, और इसको इसलिए भी खाया जाता है क्योंकि इससे फ्लेवर ऐड होता है, फ्लेवर इनहेंस होता है। तो केसर को खाइए जरूर, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि केसर खा रहे हैं तो बच्चा गोरा होगा। फिर आपको सुनने को मिलता है कि आप नॉनवेज मत खाओ अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो। ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि आप प्रेगनेंसी में अगर नॉनवेज खाएंगे तो आपका एबॉर्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप नॉनवेज खाते हैं तो वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए। और नॉनवेज खाना बहुत अच्छा है क्योंकि इससे आयरन भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, बट आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा ऑयली, बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना है। आप नॉनवेज खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर फिश की बारी आती है, लोग बोलते हैं सी फूड मत खाओ, तो आप सी फूड भी खा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसी फिश को खाना है जिसमें मर्करी कंटेंट नहीं हो, और जैसे कि वो फिश खाइए जिसमें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज्यादा है, जो कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन आप सी फूड खाइए, बस जो मर्करी वाली चीजें हैं, यानी जो मर्करी है फिश में, उसको बस आपको अवॉइड करना है। फिर आपको बोला जाएगा कि चाइनीज फूड मत खाओ, बिल्कुल स्टॉप कर दो। देखिए, वो एक जंक फूड है, आप स्टॉप
कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको तभी भी खाना है तो आप घर में बना के खाइए, क्योंकि अगर आप बाहर से लेकर आते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा अजीनोमोटो होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और अजीनोमोटो बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो आप बाहर का चाइनीज फूड ना खाइए, घर में बना के आप खा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लोग बोलते हैं चीज नहीं खाना है, आप पाश्चराइज चीज खा सकते हैं, आप नॉन पाश्चराइज चीज को बिल्कुल मत खाइए। कोकोनट से रिलेटेड बहुत अच्छे मिथ्स हैं हमारे यहाँ कि लोग सोचते हैं अगर आप कोकोनट ज्यादा खाते हैं प्रेगनेंसी में तो आपका जो बच्चे का सर है वो कोकोनट जितना बड़ा हो जाएगा और बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, सी सेक्शन करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, कोकोनट खाने से बच्चे का सर कोकोनट जितना बड़ा नहीं होता है, इस बात का बच्चे के सर से कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ा मिथ है। इसी से रिलेटेड एक और मिथ है कि अगर आप ज्यादा कोकोनट खाएंगे तो जो कोकोनट जैसे अंदर से व्हाइट होता है बच्चा उतना गोरा पैदा होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। कोकोनट खाने से बच्चा गोरा नहीं होता, लेकिन कोकोनट के बहुत सारी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं, तो आप इसको जरूर खाइए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका पानी आप पीजिए, क्योंकि आप इससे काफी ज्यादा न्यूट्रिशन गेन करेंगे अपनी बॉडी के लिए और अपने बच्चे के लिए। आप दिन में अगर पी सकते हैं तो एक नारियल पानी पी लीजिए, अगर नहीं पी सकते तो इट्स फाइन, आप वीक में एक या दो बार भी पी लेंगे तो भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा घी खाओ, बच्चे आपका आराम से नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आ जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। ज्यादा घी खाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बल्कि कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें फैट कंटेंट ज्यादा है, आप ज्यादा घी खाएंगे तो आप ज्यादा मोटे होते जाएंगे, वेट गेन करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी एंड सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको घी खाना है तो एक चम्मच आई थिंक पर डे के हिसाब से इनफ है, ज्यादा मत खाइए नहीं तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी। फिर आपको सुनने को मिलता है कि एग मत खाओ गरम करता है, तो देखिए आप एग खा सकते हैं, एक या दो पर डे खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है आप डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात कर लीजिए। इसी तरीके से आपको ये भी सुनने को मिलता है मैंगो मत खाओ, वो भी गर्म होता है। देखिए मैंगो को अगर आपको खाना है पानी में भिगा दीजिए कुछ समय के लिए, उसके बाद आप खा सकते हैं, गर्म जैसी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्म है तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। बल्कि सीजनल और रीजनल फूड जरूर खाइए, क्योंकि काफी न्यूट्रिशियस होते हैं और ये इजीली अवेलेबल भी होते हैं, तो आप इनको खा सकते हैं। इसके बाद आप सुनेंगे कि नट्स मत खाओ, यानी ड्राई फ्रूट्स नहीं खाओ, ये भी गर्म करते हैं, आपको एबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है, आप खा सकते हैं। जैसे आप बस इनको थोड़ी देर पानी में भिगा दीजिए, उसके बाद आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बादाम हो गया, अखरोट, अंजीर, डेट्स, ये सब आप खाइए, इससे आपको आयरन मिलेगा, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा होगा। तो आप ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, इवन आप अपनी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से खा सकते हैं। देखिए मेन हमारा कहने का मतलब ये है कि आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि एक मॉडरेट क्वांटिटी में खाना है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा नहीं खानी है, नहीं तो वो नुकसान करेगी। सब खाइए, मॉडरेट क्वांटिटी में खाइए, बस इतना ध्यान रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और है कि अगर आप बेकरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें काफी मैदा है, शुगर है, सैचुरेटेड फैट्स हैं, जो कि नुकसान ही करेंगे। हालांकि इजिली अवेलेबल हो जाता है इसलिए लोग खाने लगते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, तो बेकरी प्रोडक्ट्स को टोटली अवॉइड करना है। उसी तरीके से लोग आलस में क्या करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस वगैरह होती है तो लोग काम नहीं करना चाहते और उनके पास कुछ हेल्प नहीं होती, तो वो मार्केट से लाया हुआ जूस पी लेते हैं, जो कि उनको फिर से बता रही हूँ कि हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा शुगर है, प्रिजर्वेटिव है। अगर आप शुगर का इंटेक ज्यादा करेंगे तो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है, तो अवॉइड करिए बाहर के जूस को, घर में आप फ्रेश जूस बनाकर खाइए, काफी आपके लिए न्यूट्रिशियस रहेगा। इसी तरीके से लोग रेडी टू ईट वाले फूड घर में ले आते हैं और उनको खाते हैं, उसमें भी शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्ट बहुत ज्यादा है एंड प्रिजर्वेटिव बहुत ज्यादा है, जो कि तीनों ही चीज आपको नुकसान करेगी ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी, आपको भी और बेबी को भी। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करिए, कहने का मतलब है आप घर में बनाइए, घर का बना हुआ फूड खाइए, फ्रेश होना चाहिए, और बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी,
और बहुत ज्यादा सॉल्ट का इंटेक नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा शुगर का इंटेक नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातों को थोड़ा सा बैलेंस करिए, थोड़ा सा मैनेज करिए एंड आपकी प्रेगनेंसी आराम से गुजर जाएगी। और हो सकता है आपने इसके अलावा और भी बहुत सारे मिथ सुने होंगे, तो घबराइए नहीं। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप एक बार बस अपने डॉक्टर से बात कर लीजिए। सब कुछ खाइए, मॉडरेट क्वांटिटी में खाइए एंड ऑल द बेस्ट। आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।